डिस्कस करूंगा यस बैंक स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में एक बड़ी खबर हमने देखी कि एआरसी वाले जो पेमेंट थे 150 करोड़ एक सिंगल ट्रस्ट से कंपनी को रिसीव हुई, और इस समय ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और लगभग 2020 to 2024 के जो 23 के दिसंबर तक के जो कंसोलिडेशन है उसको ब्रेकआउट करते दिख रही है। यहाँ देखेंगे 2020 to 2024 के जो ये कंसोलिडेट रहे थे इसको ब्रेकआउट कर रही है, ये हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट है, और ये जो डेप्थ है ये पहला टारगेट आएगा जो नियर अराउंड 25 का निकल करके आता है। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। 150 वाला ही एक बड़ा न्यूज एज ऑफ नाउ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और सभी तरफ यही न्यूज ट्रेंड होते दिख रही है। इसके अलावा जो बात करें अगर इस स्टॉक की डिलीवरी की तो डिलीवरी ठीक ठाक दिख रही है, टेक्निकल ट्रेंड बेटर दिख रहा है। इसके अलावा अनाउंसमेंट में अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कुछ बड़ी खबर नहीं दिखेगी। अगेन वॉल्यूम इज नियर अराउंड 50 करोड़ विच इज नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, एवरेज वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है। बायर के कंपैरेटिवली सेलर डबल है, उसके बाद भी स्टॉक स्ट्रांग है, यानी जो बायर है वो सेलर के जितनी भी क्वांटिटी आ रही है उसको एग्जॉस्ट कर रहा है। 32% डिलीवरी उठाई गई है और इस समय इस स्टॉक में अगर यहां देखेंगे मैंने एक सिंपल ये कर रखा है, ट्रेंड लाइन बना रखा है, ये एक कंसोलिडेट फॉर्म रहा था और इस कंसोलिडेट फॉर्म में सिंपल जो हमने क्या कहा पहला ये टारगेट निकल करके आएगा और ये टारगेट के अनुसार दो टारगेट दिखता है। अब वीकली क्लोजिंग अगर 24 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो पहला टारगेट 32, यहाँ थोड़ा बहुत टाइम लेने के बाद 45 तक के दो टारगेट दिख सकते हैं। वीकनेस कब तक नहीं आएगी, तो जब तक 19 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे बिल्कुल वीकनेस नहीं आएगी, बायोन डिप्स की अपॉर्चुनिटी लेंगे और ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग अपने को दिख रहा है।